हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो फिलहाल हमारे पास दो ट्रैक्टर है, महिंद्रा और मैसी। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने चारों टायर के बीच में पत्थर लगा के इसके बीच कंपटीशन कराया था और मैसी जीत गया था। लेकिन इस वीडियो में हम ये ट्राई करने वाले हैं, अरे हाँ वही जीत गया था। तो इस वीडियो में हम ये ट्राई करने वाले हैं कि दोनों ट्रैक्टर को 10 की आरपीएम पे सेट करेंगे और उनके पीछे रेस होगी, कौन सा ट्रैक्टर की चाल सबसे ज्यादा होती है वही इस वीडियो में देखना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है पीछे जाने में किसकी चाल ज्यादा होती है, चाल ज्यादा होती है वही टेस्ट करने वाले। बहुत सारे भाइयों को नहीं पता होता है, जिसको भाई को नहीं पता जल्दी जल्दी वीडियो में आ जाए। तो भाई फटाफट से शुरू करते हैं, नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा देना, ठोक देना शुरुआत, और चैनल सब्सक्राइब बटन को भी ठोक देना, बेल आइकन को भी ठोक देना। चलो ठोक देना, चलो 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 स्टार्ट करो, दोनों को पास में रखो, दोनों की सीधी लाइन खींचेंगे उसके बाद। चलो ठीक है भाई, लोग दोनों को पास में लेके आ जाओ। तो भाई इसको एक को तो अब लगा रहे हैं हम पीछे की साइड में। हाँ आ गए, थोड़ा सा दूर है बस। ये एक तो यहाँ पे खड़ा कर दिया है लाइन के पास में, बिल्कुल सिर्फ टायर की सीध में है ये। एक फीट दूर है उसको भी, एक फीट दूर। दोनों ट्रैक्टर को 10 की आरपीएम पे सेट करेंगे, देखते हैं कौन सा ट्रैक्टर रिवर्स जाने में ज्यादा चाल बनाता है। चलो बस 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 बस, अरे भाई रुकेगा नहीं, और पीछे और पीछे पीछे और पीछे, बस 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 हो गए दोनों लगभग सेम। तो गाइस दो अब हमने ना महिंद्रा ट्रैक्टर को इधर खड़ा कर दिया है, ये इधर वाला महिंद्रा है और ये महिंद्रा के भाई ड्राइवर है, बैठो अपने ट्रैक्टर पे। और ये हमने मैसी भी यहाँ पे खड़ा कर दिया है, लगभग दोनों सेम जगह पे खड़े हैं, लाइन के पास में खड़े हैं, थोड़ी सी हल्की सी है वो अपन एडजस्ट कर लेंगे। और दोनों अपने अपने गाड़ी पे बैठ जाओ और ये स्टार्ट करेंगे और दोनों की सेम आरपीएम रखेंगे। और कितनी आरपीएम रखनी है, 10 की नहीं 10 की आरपीएम रखनी है भाई। चलो स्टार्ट करो भाई इसको, और इसकी 10 की आरपीएम रखेंगे। मैं इधर से बता देता हूँ, 10 की आरपीएम पे रहेगा ट्रैक्टर। और उधर चलो मैसी ट्रैक्टर को भी स्टार्ट करते हैं, मैसी भी स्टार्ट हो चुका है, ये सेम 10 की आरपीएम है, बराबर 10 की आरपीएम पे रखना है पूरा। हाँ ठीक है, 10 की आरपीएम पे रख दिया है दोनों ट्रैक्टर को, अब दूर से देखेंगे कौन पहले। हाँ ठीक है, 1 2 3 कर दूंगा मैं, 1 2 3। ये गाइस मैसी निकल चुका है, आइए बहुत ही फासला है ट्रैक्टर के अंदर, मैसी जा रहा है तेजी से और ये महिंद्रा यहीं पे रह चुका, मतलब चलो चलो रोक दो भाई, कितना फास्ट जा रहा है वो ट्रैक्टर, दोनों में कितना फासला है। नहीं नहीं भाई, इसको बंद, इधर एक्सचेंज हो जाओ दोनों, नहीं दोनों 10 पे ही थे, दोनों 10 पे ही थे, उसकी थोड़ी कम लग रही थी। नहीं नहीं कटिंग करता है, बहाने मारता है तो भी नहीं जीतता है भाई यार, मतलब ये भाई ये भाई वो कोई बात नहीं है, ट्रैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है ड्राइवर, वो हैवी ड्राइवर में डिपेंड करता है, और ये भाई हैवी ड्राइवर है और ये भाई ड्राइवर है। तो भाई दोनों में से ये इस बार फिर से ये महिंद्रा मैसी ट्रैक्टर जीत चुका है और ये मेसी अपना पीछे, महिंद्रा पीछे रह चुका है। हाँ ये बात भी सही है, मेसी लोग मेसी क्यों लाते हैं भैया, मेसी को देसी घी क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं भैया उसमें ताकत है, भले ही छोटा ट्रैक्टर है अरे रद्दी के आगे तो शेर है। ये लगाई दिया तो गलत बात हो गई है, ये भाई औकात से बाहर की बात कर रहे हैं। तो गाइस क्लियरली ये मैसी जीत चुका है, आपने देखा होगा, नहीं नहीं ये सबकी औकात से बाहर आता है ट्रैक्टर। तो गाइस क्लियरली अपना ये मैसी ट्रैक्टर जीत चुका है 10-35, आपको इसको पता है ये छोटा ट्रैक्टर है, और ये महिंद्रा ट्रैक्टर जो है ये हार चुका है क्लियरली। और अब मैं आपसे दोनों से पूछता हूँ कि आपने ट्रैक्टर को कैसे क्या छोड़ा और कैसे क्या स्टार्ट किया था, चलो बताओ। कोई बात नहीं, आप वीडियो में कमेंट करके बता देना कि मैंने थोड़ा सा लेट हुआ। नहीं 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 चलो ठीक है, भाई 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 ये नहीं बता सकते भाई, भाई से पूछेंगे कैसे कैसे ट्रैक्टर छोड़ा, मैंने स्पीड से क्लच छोड़ दिया और उसके टायर फेरे और भैया ट्रैक्टर ने स्पीड पकड़ ली और ये मुन्ना माइकल पीछे रह गया और ये टाइगर से आरपीएम 10 पे सेट की थी लेकिन वो कांटा अपने पता नहीं क्या हुआ 9 पर। चलो
ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, बहाने बहाने खत्म हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया है। तो गाइज आप कमेंटमेंट में बताना कि कौन सा ट्रैक्टर पीछे रह गया और किस कारण से रह गया। आप दोनों, आपको डिसाइड करना है कि कैसे क्या है, क्या महिंद्रा आगे निकल सकता था कि नहीं निकल सकता था, आपको बताना है कमेंटमेंट करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा मत हो, अगली बार आप जीत जाना, मैं जीता दूंगा। टॉर्चर करेंगे ना तो पता चल जाएगा। टायर नहीं है तो भैया, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब वाला बटन है ना, जोर से मानो उसको, बटन बाहर आ जाना चाहिए।